नमस्कार, स्वागत है आपका किट्टू टिफिन में। और आज हम बनाएंगे मेथी पनीर चमन की रेसिपी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में प्याज, उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, साथ में ही हरी मिर्च टुकड़ों में तोड़ के, थोड़े से खड़े मसाले, और साथ ही हम इसमें मिक्स करेंगे थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम और थोड़े सा एक चम्मच के करीब बटर। इन सबको हम ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे प्याज गल जाएगा और काजू और बादाम जो सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको मिक्सी में पीस के एक फाइन पेस्ट तैयार करेंगे, जो हमारी पनीर की सब्ज़ी का ग्रेवी का बेस बन के तैयार होगा। ये हमने लगा दिया है ढक्कन और इसको 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे। 10 मिनट बाद हम ढक्कन खोलेंगे और देखते हैं कि प्याज भी अच्छे से गल गया है, बादाम और काजू भी सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें से हम जो भी खड़े मसाले हैं इनको बाहर निकालेंगे। अगर इनको मिक्सी में पीस देंगे तो ग्रेवी का कलर ख़राब हो जाएगा, तो इन मसालों को बाहर निकाल लेंगे। बाकी प्याज, काजू, बादाम सबको हम एक मिक्सी के जार में निकालेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम एक फ्राई पैन में थोड़ा सा रिफाइन ऑयल डाल के उसमें डालेंगे एक चुटकी भर हींग, और हींग से हम अपने पनीर को फ्लेवर करेंगे। जैसे ही हींग हल्का सा भुन जाता है, इसमें हम अपने पनीर के टुकड़े डाल देंगे और पनीर को 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसमें हम डालेंगे हल्का सा एक पिंच हल्दी का पाउडर, जिससे पनीर हल्का पीला कलर हो जाएगा और फ्लेवर भी अच्छा आएगा इसका, देखने में भी अच्छा लगेगा। इसको 3 मिनट के लिए हमें फ्राई करना है। 3 मिनट के बाद हम फ्लेम को कर देंगे बंद और हल्का हल्का बस इसको हम सौते करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा सौते करेंगे बस। इससे पनीर कड़ा भी नहीं होगा और इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। जैसे ही 3 मिनट हो जाएंगे, हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे सारे पनीर को। ये आ गए हमारे पनीर सारे बाहर। उसी फ्राई किए हुए तेल में हम एक चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और एक चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, इनको हम 30 से 40 सेकंड तक भुनेंगे, जिससे इसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए। जैसे ही अदरक और लहसुन भून के तैयार होता है, हम इसमें डालेंगे मेथी के पत्ते, जो बारीक हमने काट लिया है, और मेथी को अच्छे से भुनना है तेल में, जब तक कि मेथी का सारा पानी बाहर निकल के सूख न जाए। अगर मेथी की भुनाई अच्छे से नहीं होगी यहाँ पे, तो ये कड़वापन रह जाएगा मेथी का और सारा ग्रेवी का टेस्ट ख़राब कर देगा। इसलिए मेथी को अच्छे से भूनना है। इसमें भूनने में 5 से 7 मिनट लगेगा। जैसे ही मेथी भून कर तैयार होगी, हम इसमें हल्का सा हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और इनको हल्का सा सौते करेंगे मेथी के पत्तों के साथ। मेथी के पत्ते हमारे अब लगभग भून के तैयार हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्योरी, जो प्याज और काजू बादाम का हमने प्योरी बनाया था, उस प्योरी को मिक्स कर दें इसमें। और इस प्योरी को 5 से 7 मिनट के लिए हम मध्यम आंच पे पकाएंगे, लगातार चलाते हुए, क्योंकि काजू और बादाम वो तली में बैठ जाएगा और जलने लगेगा, इसलिए लगातार चलाते हुए 5 से 7 मिनट के लिए पकाएं। जैसे ही करी हमारी पक के तैयार हो जाएगी, फिर हम आगे की प्रक्रिया में चलेंगे। इसको लगभग 8 से 10 मिनट पकाने के बाद हम इसमें मिक्स करेंगे थोड़ा सा फेटा हुआ दही, जो लगभग आधा कप के करीब है। अब हम इस दही को अच्छे से पकाएंगे। यह दही पकने में लगभग 5 से 7 मिनट लगेगा। इसको लगातार अच्छे से चलाते हुए मिक्स करें ग्रेवी में दही को। जैसे ही दही हमारा पक के तैयार हो जाएगा 5-7 मिनट के बाद, हम इसमें मिलाएंगे अपना फ्राई किया हुआ पनीर। पनीर को अच्छे से हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। इसको 3 से 4 मिनट के लिए पनीर को पकाने के बाद, हम इसमें कड़वापन को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा शुगर डालेंगे। शुगर को अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस को करेंगे बंद। गैस बंद करने के बाद हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा फ्रेश क्रीम 3 से 4 टेबल स्पून के करीब,
फिर इसको मिक्स कर दें। सब्जी हमारी बनके तैयार है, आप बनाएं, खाएं और आनंद लें। और किट्टू टिफिन को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।